Hop on. ये झाबुआ का वनांचल है, दूर दूर तक बल्कि क्षितिज तक विस्तृत हैं पर्वतीय ऊंचाइयां और वादियों सी गहराइयां। इन्हीं के गहरे थालों में नजर आते हैं यहाँ के आदिजनों भील और भिलालों के घर। कभी यहाँ बहुत घना वन प्रांतर था, खतरनाक जानवरों की दहाड़ से गूंजता हुआ। आदिमानव कितना असुरक्षित और कितना डरा हुआ रहा होगा ये भीलों को देखकर समझा जा सकता है। उन्होंने जीवन संघर्ष के लिए ईजाद किए अस्त्र शस्त्र। वे नृत्यरत होते हैं तो भी ये आयुध उनके साथ रहते हैं। धनुष धारण करना शोक भी है और ठसक भी। ये मोर का पिखड़ा लगा है। मोर का वो पंख होता है जो? हाँ, वो पंख घूमता है, जिसको हम किताब में रखते हैं। हाँ। अच्छा, इसका भी। तो ये आप इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, मतलब किन चीजों के लिए करते हैं इसको? ये हम कोई को शिकार करने के लिए रखता है। आत्मरक्षा का ये हथियार उनसे अचूक निशानेबाजी का अभ्यास भी करवाता है। काश इस कला प्रतिभा का इस्तेमाल स्पोर्ट्स में किया जाए तो देश के लिए सोना बटोरा जा सकता है। भीलों का दूसरा प्रमुख हथियार है भालिया या धारिया। ये हम जैसे शादी में ऐसे नाचते हैं ना, तब इसको हाथ में लेके ऐसे नाचते हैं, और जंगल में जाए कोई जानवर आ जाए तब भी वैसे कोई हमारी सुरक्षा के लिए काम आ जाता। आकार मोर की गर्दन सा सुंदर, सुतवा और धारदार। तीसरा शस्त्र है तलवार। ये संभवतः राजपूतों के सैन्य संपर्क से इनके पास आया है। सबसे कम खर्च और कार आमद हथियार गोफन है। ये भील अपनी पगड़ी में खोसे रहते हैं। बटी हुई रस्सी के बीचों बीच एक शंखाकार भाग जहां पत्थर फंसाया जाता है। इसके चलाने की खास विधि है, इससे गोली की गति से निशाना साधा जाता है। ये गोफन है कि नहीं? जैसे हम जानवर भगाने में किसी मतलब लड़ाई झगड़ा जाते हैं तो ये 20-30 जने को अकेले कवर कर सकती है, मतलब भगा सकती है। हथियार आत्मरक्षा और जीवन रक्षा के लिए ही होता है। भील समाज में अब हथियार बदल रहे हैं। सबका जिक्र क्या करना, पर आजकल जो हथियार उनके जीवन में आमूल बदलाव ला रहा है वो है शिक्षा का हथियार। अब झाबुआ के वनांचल में स्कूलों का, कॉलेजों का, छात्र छात्राओं के लिए छात्रावासों का संजाल बिछा हुआ है। छोटी बड़ी सभी जगहों पर शिक्षालय नजर आने लगे हैं। मोद भरी, भाव भरी, उत्साह भरी लड़कियों की टोलियां यूनिफॉर्म पहने स्कूल आती जाती नजर आती हैं। लगता है जैसे आदिवासी युवक युवतियां शिक्षा के पारस स्पर्श से, आत्मविश्वास से लबरेज हो गए हैं। उनकी सुंदर आंखों में भविष्य के लिए कोमल, सुंदर और आशादायी सपने हैं। उनकी भाव मुद्राओं में कुछ कर गुजरने की हौस है। स्कूलों में व्यवस्थाएं साधारण ही हैं, डेस्क तक नहीं है, दोहरे हो होकर उन्हें पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर भी शिक्षा के प्रति उनमें कौतूहल है, उत्साह है। ये उनकी कक्षाओं में साफ नजर आता है। वे एकाग्र हैं, पढ़ाई पर उनका ध्यान है, शिक्षा उनके लिए कर्मकांड नहीं है। प्रायः स्कूलों की कतरीली पथरीली जमीन पर लंगड़ी गप्पा, कंचा खो खो
और बोल बोल रानी कितना कितना पानी जैसे खेल रही है। कायदे के मैदान नहीं, सुविधाएं नहीं, कहीं बैडमिंटन का बैट और चिड़िया है तो नेट नहीं, कोर्ट नहीं, पर ये अभाव उनकी प्रसन्नता को कम नहीं करते। वो जहां थे वहां से बहुत आगे हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। गाते बच्चे की चाहना बहुत बड़ी नहीं है, कहीं यूनिफॉर्म है कहीं नहीं है। ये विकास का संक्रांति काल है जो झाबुआ के इर्द गिर्द है। कहीं कुएं से बिना घिरी के पानी खींचने की मजबूरियां हैं, तो कहीं हैंडपंप है सुदूर खेत में, जहां से सिर पर प्लास्टिक की बाल्टी में पानी लाने की मशक्कत। विकास की डगर कठिन है, पर वो परिवर्तन की आहट दे रही है। कॉलेज के लड़के लड़कियों के परिधान बदल गए हैं, वे अब उतने शर्मीले नहीं रह गए। कोई प्रोफेसर बनना चाहता है तो कोई एमएससी करने के बाद प्रोफेसर की फील्ड में जाऊं, और मैं आगे एक इंजीनियर बन के कुछ अपने गांव के और अपने जिले के लिए कुछ करना चाहता हूं और उसका विकास डेवलपमेंट करना चाहता हूं। एमएससी फाइनल और आगे पढ़कर प्रोफेसर की लाइन में जाऊंगी। मैं अपना गांव का यानी जिले का नाम रोशन करना चाहता हूं, और गांव में बहुत सारे लोग जो कि नहीं पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। मैं आगे एडीपीओ या फिर और कुछ बड़ी पोस्ट पर जाना चाहती हूं। अधिकतर गांव में औरतें बहुत दुख उठाती हैं, उनको कई बात की समझ नहीं रहती, वो अपनी बात छुपाए रखती है, किसी से शेयर नहीं करती है। और अगर लड़की पढ़ ले तो अपने मन की बात सबको बता देती है, लेकिन डर के जीना ये मनुष्य की बात नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर कोई गांव में जो लड़की है वो आगे आए। शासन और स्वयंसेवी संस्थाएं दोनों ही विकास में योगदान दे रहे हैं। और यहाँ उत्कृष्ट विद्यालय खुल गए हैं। 10वीं और 12वीं के लिए अपन ने एक और विशेष योजना लागू की है, विवेकानंद अध्ययन केंद्र। मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे बड़े शहरों में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं और लोग जाके प्रशिक्षण पैसा दे के लेते हैं, पर हमारे झाबुआ के अनुसूचित जनजाति के लोगों में इतनी शक्ति नहीं है, इतना फाइनेंशियल पावर नहीं है। तो इस वित्तीय शक्ति न होने के कारण हम लोगों ने यह प्रयास किए हैं कि हमने प्रत्येक स्कूल में, हाई सेकेंडरी स्कूल में विवेकानंद अध्ययन केंद्र खोला है, जहाँ स्कूल टाइम के अतिरिक्त 2 घंटा कोचिंग चला करेगी। साक्षरता में काम करने वाली संस्था भारत ज्ञान विज्ञान समिति यहाँ स्कूल भी चलाती है तमाम अभावों के बावजूद। इनका काम कला माध्यमों से शिक्षा की मांग पैदा करना भी है, विकासात्मक चेतना का विस्तार भी है। अरे भाई, मारी की कोई लोग सॉरी है नहीं, बनाना नहीं पाएगा। ये पढ़ी लिखी जाकर तो घर हमारेगा, ससुराल में भी घर हमारेगा, दिया में भी घर हमारेगा। अरे दादा बनाना लिखी है नहीं, बना हमारे तन कट होटल बड़ो थकन के मार कर दादा हमारे नहीं है तो लोग रुपया नहीं मिला सरकार खाओ पीओ भी आली स्कूल में छात्रा वाली साइकिल आली तन कहीं खर्च नहीं पड़े। भारत ज्ञान विज्ञान समिति के द्वारा हम लोग दहेज प्रथा को भी रोकने का काम कर रहे हैं, और आदिवासी संस्कृति बनी रहे उसके लिए भी हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। हम लोग जिले में यहाँ पे शिक्षा के अधिकार को लेकर काम किए हैं, और करीब जिले की पूरी 376 पंचायतों में हमने अपनी पहुँच बना रखी है। यथास्थिति वादी नहीं है झाबुआ के आदिवासी, आगे बढ़ने और अपने क्षेत्र भाषा संस्कृति के विकास की उत्कट आकांक्षा है उनमें। झाबुआ की लोक कलाकार हैं अनुभावो, उन्होंने सारी बाधाओं बंधनों से संघर्ष करते हुए फर्श से अर्श तक की यात्रा की है। बेहद रोमांचक है उनकी कहानी। वे ऐसे गांव पंचकुई से आती हैं जहां ओढ़ने बिछाने के लिए टाट के अलावा कुछ नहीं था, मां का साया उठ गया। स्कूल की आकांक्षा मन में दबोए ढूर चराना पड़ा। समय बचता तो बर्तन मांजने जाती, पैसे लाती, किताबें खरीदती,
मिट्टी के बर्तन में खाने की दारुण मजबूरी। 15 की दहलीज तक आते आते 2,500 का वधमूल्य लेकर ब्याह दी गई। पता चला कि उसे ब्याह कर घट्टी चलाने, खेती में काम करने के लिए लाया गया था। इस सारे काम के साथ पढ़ना लिखना जारी रखा। प्राइवेट परीक्षा देकर 8वीं पास की। कट्टीवाड़ा में पति के साथ रहते हुए आंगनवाड़ी में नौकरी की। 11वीं पास की। कलेक्ट्रेट में नौकरी की। साथ साथ ढोर चराते वक्त जो गान अभ्यास किया था उसको जारी रखा। वे अपने बूते पर रेडियो और दूरदर्शन पर आने लगी। रेडियो पर मकनी के किरदार और झमकुबाई के रूप में दूरदर्शन पर लोकप्रियता अर्जित की। मकनी नाम से मेरे को जानते थे, लोग कहते थे, रोज शाम को बैठ जाते थे रेडियो लेके इकट्ठा होके, बोले आज मकनी आएगी, आज मकनी आएगी। तो फिर मैं जब वापस गांव में जाऊँ, लोग क्या कहे मैं सुनना चाहती। फिर मैं रेडियो सुनती थी तो लोग वहाँ प्रश्न करते थे कि भाई ये मकनी को हम देखना चाहते, ये मकनी कहाँ की है। धीरे 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 एक अहमदाबाद इसरो से प्रोजेक्ट आया जिसमें टीवी पर कलाकारों को बताए। तो मैंने सोचा ये टीवी पे तो ये बाजार के लोग आते होंगे बड़े बड़े, मैं तो आदिवासी महिला में कहाँ कर पाऊंगी। पर अंदर से था नाटक कराएंगे तो करूंगी। तो जब इंटरव्यू हुआ तो मेरे को एक जरा सा सीन दिया, बोले भाई तेरे को तेरा पति मार रहा है तो तू बता करके। मैंने धाड़ धाड़ करके बताया कि तेरा खोजा तेरा ऐसा करके गाँव में हमको मारते हैं यूँ करके बताया। उनने बोला वाह भाई का तो सिलेक्शन हो गया। फिर धीरे धीरे मैंने एक एल्बम बनाया अपना, उस गाने को लोग इतने सुनते हैं क्योंकि वो भगोरे हाट में भी मेमो गाड़ी जैसे गाना है तो उसमें एक लड़का कहता है मेमो गाड़ी जनता गाड़ी सड़ी जमाई उड़ल गाड़ी माँ मेमो गाड़ी जनता गाड़ी मेमो गाड़ी जनता गाड़ी बैठ जा सोरी रेल गाड़ी माँ घर अनुभावोर का है, उनके अर्जित श्रम का सुफल। ये जहां बदलती जीवन शैली और परिवर्तित घर द्वारों का परिचायक है, वहीं श्रमेव जयते का संदेश भी देता है। मकानों की इन कतारों में परिवर्तन की सड़क पर पता नहीं कितनी अनुभावोरों की ज्ञात अज्ञात कहानियां बिखरी पड़ी हैं। आखिर अज्ञान के तिलिस्म को भेद ही डालता है आखिर। विकास के मार्ग में कीचड़ भी है और पानी भी। मौसम कुछ ऐसा कि आंख कहे कि दिन निकला है, दिल ये कहे ये रात है। ये स्वर्णिम एहसास लेकर मोहनपुरा पंचायत पहुंचकर लगता है कि खाट पंचायत और पेड़ पंचायत का झाबुआ अब नहीं रहा। झुंड के झुंड स्त्री पुरुष पंचायत में आते हैं, अपनी बात रखते हैं। सरपंच अशुबाई घूंघट की ओट से ही अध्यक्षता करती है। विकास अपनी जगह, मगर गांव के बूढ़े बुजुर्गों का एहतराम तो जरूरी है ना। पंचायत की आधुनिक साज सज्जा को देखकर ये यकीन करना मुश्किल होता है कि सुदूर जंगल के इलाके में अवस्थित पंचायत है। यही हाल रहा और यही मनोयोग तो गांव के दिन बहुरने में बहुत वक्त नहीं रह जाएगा। इस आश्वस्ति पर पहाड़ियां खुशी खुशी बारिश में नहाती हुई नजर आती हैं। अरे ये कौन सी पंचायत है? क्या ठाट है जनाब के? किस गर्व से कड़कनाथ की मुर्ग सभा में सवाल पूछे जा रहे हैं? कितने गर्वोन्नत होकर टहल रहे हैं ये सभा के बीच? क्या बात है इनकी भाव मुद्राओं की? कैसी भंगिमाएं हैं, कैसी देह गतियां? ये कड़कनाथ पोल्ट्री फार्म है। कड़कनाथ की तीनों प्रजातियों के यहाँ दर्शन सुलभ है। एक प्रजाति है जेट ब्लैक यानी ढुच काली, कौवे कोयल जैसे रंग की प्रजाति। एक है पेंसिल यानी स्लेटिया रंग की, जिनमें बीच बीच में श्वेताभा नजर आती है। और तीसरी नस्ल है
गोल्डन वैरायटी यानी स्वर्णाभ मुर्गा। भारत सरकार की सहायता से इस प्रजाति के अनुरक्षण संवर्धन के लिए महती प्रयास हो रहे हैं। 10-10 शेड्स में 100-100 चूजों का पल्लवन पोषाहार देकर किया जा रहा है। टीकाकरण के द्वारा इनकी मृत्यु दर को न्यूनतम किया जा रहा है। मुर्गी को अंडे देने की तकलीफ नहीं उठानी पड़ती, कृषि विज्ञान केंद्र की हैचर मशीन ये कर लेती है। विकसित चूजे किसानों को दे दिए जाते हैं। चूजा पालक किसान इनका पल्लवन करके बेच देते हैं। एक मुर्ग कड़कनाथ का मूल्य आसानी से 500 से 700 रुपए तक मिल जाता है। इस तरह कड़कनाथ अपनी कुर्बानी देकर चूजा पालक किसानों की दरिद्रता दूर कर रहा है। ये जो कड़कनाथ मुर्गा है ये काले रंग का होता है। न सिर्फ इसका रंग काला है वरन इसकी खून भी काला होता है, इसकी जीभ भी काली होती है, हर पूरा अंग इसका काला होता है। ये विश्व में ये प्रजाति सिर्फ जहाँ तक मुझे ज्ञात है झाबुआ और अलीराजपुर में ही पाई जाती है। और इस प्रजाति को विकसित करने के लिए दिनों दिन प्रयास किए जा रहे हैं। झाड़ा एक गांव में टेस्ट पायलट के रूप में 10 घर लिए गए थे, लेकिन धीरे धीरे वहाँ जब गाँव वालों ने देखा तो 10x10 का उसका कमरा बनाते हैं, उसमें इन चूजों को पालते हैं। तो गांव वालों ने खुद ही अपनी इच्छा से 100 कमरे और तैयार कर लिए। 110 घरों में झाइडा में इन चूजों को प्रदाय किया जा रहा है और वहां कड़कनाथ का मुर्गा तैयार किया जा रहा है। अब जबकि परिवर्तन की बयार चल पड़ी है, तब झाबुआ की गुड़िया ही अकेली ऐसी शय है जिसने अब तक पारंपरिक परिधानों को जकड़कर पकड़कर रखा है। पहले भी गुड़ियाएं परंपरा और रीति रिवाजों के शिक्षण का काम करती थीं, घर घर बनाई जाती थीं, उनका संपूर्ण विधि विधान से ब्याह रचाया जाता था। गुड़िया उस स्थिति से अब अपदस्थ हो गई हैं। अब वे केवल डॉल हाउसों या ड्राइंग रूम्स के शोकेस की शोभा बनकर रह गई हैं। गनीमत है कि झाबुआ के गुड़िया घर ने कम से कम पारंपरिक गुड़ियों की रूप छवियों को संभाल कर रखा है। इनके साथ साथ कई जरूरतमंदों का रोजगार भी खड़ा हो जाता है। कितने परिवारों को पाल रही हैं ये विश्वविख्यात झाबुआ की गुड़ियाएं। ये जो गुड़ियाएं बनती है आदिवासी झाबुआ जिले की फेमस है, और ये गुड़िया विदेशों तक काफी जा चुकी है और काफी हमने कम से कम 300 से ज्यादा एग्जीबिशन कर चुके हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से हमें पूरा खर्चा मिलता है, आने जाने का किराया मिलता है। दिल्ली बॉम्बे मद्रास दिल्ली हाट में स्टॉल लगाते हैं, और हमारे यहाँ करीबन 15-16 कारीगर लोग हैं, वो भी रोजगार ले रहे हैं। गुड़िया जहाँ पुराने वक्त को थाम कर बैठी हैं, वहीं तमाम उद्योगों को अपने शेड्स और अंचल में समेटे हुए मेघनगर समय को गति दे रहा है और झाबुआ को शेष भारत की लय में लाने के लिए आतुर दिखता है। अनास नदी की निर्मल धारा और स्टॉप डैम जैसे अंचल की प्यास बुझाने के लिए कृत संकल्प है। पेड़ों के झुरमुटों में जो महल नजर आ रहा है वो अनास कोठी है, राजे महाराजाओं का अवकाशकालीन विश्राम स्थल। अरे ये कहां ले आए यार, तुम जिस जगह हो आदमी की तरह, वहां क्यों बेशुमार हैं कीड़े? ये बड़े रंगीन मिजाज कीड़े हैं, यूं खाते सिर्फ पेड़ों की पत्तियां हैं लेकिन सिरजते तितलियों को हैं, ककून को सिरजते हैं ये। इन लड़ियों को देखो, ये कीट तहजीब की शुजाएं हैं, ये ककून की लड़ियां हैं। अपने में 500-600 मीटर रेशम का महीन धागा समोए हुए हितग्राहियों को केंद्र से अंडे दिए जाते हैं और उनसे ककून क्रय कर लिए जाते हैं। ककून से बनती है धागे की लड़ें, जिनसे मशीन के द्वारा रेशम के धागों की गिर्रियां बनाई जाती हैं, जो अंततः कोसा या रेशम के वस्त्र निर्माण के काम में आते हैं। झाबुआ जिले के वन क्षेत्र में वन समिति को रोजगार देने के उद्देश्य से हमने वर्ष 2011-12 में
तसर उत्पादन का कार्य लिया है। इसमें वन समिति के सदस्यों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध हो और स्वयं अपना रोजगार उपलब्ध कराए, उस दृष्टि से इसको लिया गया। झाबुआ की अभिरुचियों, श्रृंगारिकता और रंगीनियों को जिस तरह स्त्रियां नियंत्रित करती हैं, उसी तरह यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी वे ही हैं। घूंघट के पीछे चलने की मजबूरियां, रूढ़ियों, अंधविश्वासों का घटाटोप प्रगति में बाधक रहा है। इसके बावजूद झाबुआ में महिलाओं के बीच आत्महत्या का आंकड़ा नहीं मिलता। यहाँ वेश्यावृत्ति नहीं पाई जाती, कोई भील या भीलनी भीख मांगते नजर नहीं आते। इतना परिवर्तन तो परिलक्षित होता ही है कि मुंह से आवाज न निकालने वाली भीलनियां अब मोबाइल पर बतियाती नजर आती हैं। I'm gonna go get